क्लास ट्वेल्थ में जाएंगे, क्लास ट्वेल्थ में तो जाने के बाद स्कूल स्टार्ट होगा, या तो फर्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी या तो सेकंड बुक पढ़ाई जाएगी। जब फर्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी तो उसकी बाद में हम डिस्कस करेंगे, अगर सेकंड बुक पढ़ाई जाएगी तो उसमें हमें डिस्कस करना है कि सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। इसका वेट इज अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मिनट मार्क्स का होता है, 4 to 5 मार्क्स। इन 4 to 5 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है, क्या क्या स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। अब ये हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जिनके जितने भी इनके केमिकल रिएक्शंस हैं, कितने केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इनके वे ऑफ प्रिपरेशन है, इनका नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, सारा का सारा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और वेटेज किस क्वेश्चन का कितना ज्यादा है, इस सारी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है हैलोअल्केन्स। सबसे बड़ी बात होती है कि हैलोअल्केन्स को समझना है। समझे कैसे, हैलोअल्केन का मतलब क्या हुआ? हैलोअल्केन का मतलब है, जरा देखो, इस चीज को हम लोग बोलेंगे इथेन। इसको कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, इसको बोलेंगे इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। अगर इथेन के एक हाइड्रोजन को हमने यहां से ऐसे उठाया, फेंक दिया, और उसकी जगह पे अगर हमने यहां पे हैलोजन्स लगा दिया, तो ये था इथेन और इसमें लगा क्या? हैलोजन। इसलिए हो गया ये हैलो इथेन, ये इसका नाम है। और अगर यही चीज एक कार्बन में जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, उसके एक हाइड्रोजन को यहां से फेंक दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? हैलोजन। तो उसको क्या बोलते हैं? हैलो मेथेन। तो हैलो मेथेन, हैलो इथेन। अब इस हैलो मतलब क्या हुआ? एक्स मतलब सारे बच्चों को होता है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन सारे में से जो हैलोजन ग्रुप होते हैं कोई ना कोई एक होगा। बात समझ में? अब जरा चलो देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसको कलेक्टिवली एक वर्ड लेते हैं, बोलते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर को इसको लगाते हैं एक्स। इस कैपिटल आर का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 है और ए है प्लस एक्स। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन, या अल्केन तो नहीं बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे, AlkyLe, और दूसरा बोलेंगे एक्स। बात समझा गई? तो अब इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इसको कलेक्टिवली बोलेंगे हैलोअल्केन्स। इनको कंप्लीट करने के बाद में हमने एक कार्बन लिया तो हेलो मेथेन, 2 कार्बन लिया तो हेलो इथेन, अगर यही चीज हमने 3 कार्बन का ले लिया तो हेलो प्रोपेन हो जाएगा। मगर अगर इस हैलोजन को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दिया तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन लगा दिया और रेस्ट का बैलेंस ही हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज? क्लोरोप्रोपेन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जो हैलोअल्केन्स के हैं। हैलोअल्केन्स की जो कैटेगरी होगी अगर इसको हम क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 3 कंडीशंस आ जाएंगी। एक तो सीधे का सीधे हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक या ओपन चेन, और दूसरा होता है रिंग के टर्म में। रिंग के टर्म में ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे 4 कार्बन का, 4 कार्बन को बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन अगर वो रिंग के फॉर्म में है तो। 5 कार्बन का हुआ तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन का हुआ तो साइक्लोहेक्सेन, 7 कार्बन का हुआ तो साइक्लोप्रोपेन, सॉरी हेप्टेन, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। अब अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में हमने यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया तो बोलेंगे क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे लगाएंगे Br तो बोलेंगे ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये एक कैटेगरी हो गई, पहली कैटेगरी इसकी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी ये हो गई, और एक और कैटेगरी आएगी जो रिंग के ही बेस पे है और उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा मगर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोसाइक्लोबेंजीन, तो आई मीन सॉरी क्लोरोबेंजीन, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। इन टोटल कंक्लूजन के बेस पे अगर हम हैलोअल्केन्स को डिवाइड करें या मोटा मोटा ऊपर से अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें ये देखेंगे कि एक ओपन चेन वाला हो जाएगा इसको बोलेंगे हैलोअल्केन्स, दूसरा हो जाएगा साइक्लिक जो साइक्लिक नेचर का होगा, तीसरा होगा एरोमेटिक। तो ये तुम्हारे पास जनरल आइडिया हो गया इन सारी चीजों पर। अब इन सारी चीजों के बाद हम लोग ओरिजिनल जो रियल कॉन्फ़िगरेशन है या क्लासिफिकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम रब कर देते हैं और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ
हेलो अल्केन्स। तो पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस। नंबर में क्या होता है, हमारे टर्म में 1, 2, 3 बोलते हैं, साइंस केमिस्ट्री के टर्म में 1 को बोलते हैं MONO मोनो, और 2 को बोलते हैं डाई, और 3 को बोलते हैं ट्राई, और मोर देन 1 को बोलते हैं पॉली। तो इसके केस में अगर किसी भी कंपाउंड में 1 डाइम हैलोजन है तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अल्केन्स। मोनो हैलो अल्केन्स में क्या होगा कि एक कार्बन होगा, दो कार्बन हो सकते हैं, तीन कार्बन हो सकते हैं, चार कार्बन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके किसी एक जगह पे हैलोजन अटैच्ड हो, इसका नाम जो होगा वो है, चार कार्बन है इसलिए इसको हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे, मगर इसमें क्लोरीन अटैच है तो बोलेंगे क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर इसी टाइप का हम एक और कंपाउंड लें, यहाँ पे एक्स लगा दें, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो क्लोरो या साइक्लो हेलो ब्यूटेन। यहाँ पे सी लगा देंगे तो क्या होगा, क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे एक और चीज ले लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, रिंग बना दीजिए और एक्स कर दीजिए, इसको भी बोलेंगे हेलो बेंजीन या क्लोरो बेंजीन। तो इसमें जरा देखो, हमने तीन कैटेगरी बनाई, कैटेगरी नंबर फर्स्ट इस वाले की कैटेगरी की बात करें, ये ओपन चेन है, दूसरे कैटेगरी ये बोल रहे हैं जिसमें रिंग है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तीसरे कैटेगरी में क्या करेंगे, रिंग है, बेंजीन है। तो ये थ्री कैटेगरी हमारे पास टोटल हो गई, जिससे कि क्लासिफिकेशन के केस में बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। जो इसका स्टेटमेंट है आप नोट बना सकते हो तो बना दो, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, व्हेन ऐसे बोलो, एनी कंपाउंड, एनी हैलोजन कंपाउंड दैट कंटेनिंग सिंगल हैलोजन्स इज नोन एज मोनो हैलो अल्केन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। किसी केस में अगर यहाँ पे दो हैलोजन्स हैं ऐसे ऐसे और पूरा कंपाउंड ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे डाई हैलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे, डाई हैलो अल्केन्स। इस डाई हैलो अल्केन्स में हमको कुछ नहीं करना है, एक तो ओपन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, तो कि कोई भी कैटेगरी हो जिसमें कि अगर हमने सिमिलर या डिसिमिलर हैलोजन को ले लिया और पूरे कंपाउंड में दो बार होगा तो उसको हम बोलेंगे डाई हैलो अल्केन्स। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मोनो मतलब वन हुआ, डाई मतलब टू हुआ, तो ट्राई का मतलब क्या हुआ, उसमें थ्री हो जाएंगे। तो थ्री के केस में क्या होगा, थ्री ऐसे बनाओ और उसके हर पे एक एक हैलोजन प्रोवाइड कर दो तो इसको बोलेंगे ट्राई हैलो अल्केन्स, और अनलिमिटेड कर दोगे, मोर देन वन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉली हैलो अल्केन्स। तो इसमें क्या दिखा कि वन, वन का मतलब क्या हुआ, कोई भी कैसा कंपाउंड जिसमें कि क्या हुआ कि रिंग हो चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो अल्केन्स है उसमें एक बार हैलोजन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अल्केन्स। दो बार लगा हुआ तो क्या बोलेंगे, डाई हैलो अल्केन्स। तीन बार लगा हुआ तो क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो अल्केन्स। और एन टाइम लगा हुआ तो बोलेंगे पॉली हैलो अल्केन्स। तो स्टूडेंट्स ये पहला कैटेगरी हो गया जो डिफाइन करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन्स पे। सेकंड आएगा तो सेकंड के बेस पे हम लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में क्या-क्या कैटेगरी आएगी, इसमें फर्स्ट आता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसमें क्या आएगा कि एक कार्बन लेंगे आप और उस कार्बन से हैलोजन अटैच करेंगे, हम यहाँ पे जनरली लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा इजी होता है बताने में और हर बच्चों को समझ में आता है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्लोरीन, उस क्लोरीन के ठीक बगल कार्बन वाले एक और कार्बन होगा, वो वाला कार्बन जो होगा डबल बॉन्डेड होगा, तो ये वाला जो कार्बन है इससे दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, मगर उसके ठीक बगल वाला जिसमें डबल बॉन्ड होंगे वो sp3 नहीं होगा, वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कि जिससे कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो वाला कार्बन अगर sp3 है और उसके ठीक बगल वाला क्या है sp2 है तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे allylic हेलो अल्केन्स। ठीक, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकंड के केस में क्या करोगे,
इसी टाइप के जो एलाइलिक होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ओपन चेन है, इसके लिए हम ऐसा कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये वाला कैसा हो गया, यहाँ पे बेंजीन रख दिया और यहाँ पे एक्स लगा दिया, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है। यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम ऐसे साइक्लोब्यूटेन ले सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा देंगे तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x लगा दीजिए, ये भी क्या होगा, यहाँ ठीक मत लगाइएगा, ठीक में लगाएंगे तो कुछ दूसरा कंपाउंड हो जाएगा उसको छोड़ करके। तो ये वाला होना चाहिए sp3 और ये वाला होना चाहिए sp2। तो इसमें देखो तीन कैटेगरी होगी, एक ओपन हो गया और दो साइक्लिक हो गया, मगर सबका मीनिंग क्या हुआ है, इस मेन कार्बन के, ये जो मेन कार्बन है उसके ठीक बगल वाला sp2 होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो स्टेटमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन आई दोस हैलोअल्केन्स इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड सक्सेसिवली, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जो भी होगा वो कैसा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो मींस पहला वाला sp2 3 और दूसरा वाला क्या चीज sp3 होना चाहिए, राइट सर। चलो अब इसके बाद में फिर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यही sp3 में एक केस और आता है, उस केस में क्या होगा, ऐसे रिंग होगी, रिंग के साथ में यहाँ पे CH2 होगा और ये X होगा। मींस क्या हुआ कि जिससे हैलोजन लगा हुआ है वो तो sp3 है, मगर जो फॉलोड बाय कार्बन है वो बेंजीन रिंग होगा। अगर ऐसा है तो भी वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, ALLYNIC, सॉरी गलत हो गया भाई, इसको काटो, लास्ट पॉइंट को हटा दो, सिस्टम बना दो, यहाँ पे CH2 लिखो और यहाँ पे X लिखो, मतलब X जो बेंजीन रिंग है उस पे CH2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और नेक्स्ट टू जो होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइनिक हैलोअल्केन्स। और एक थर्ड आएगा जो अगला स्टेप होगा, उस स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो जस्ट उसी से अटैच्ड है, मतलब एक्स से जो कार्बन अटैच्ड है वो sp2 है और उसके बाद वाला भी क्या है sp2 है। तो हम इसको बोलते हैं, एक वर्ड आता है उसका नाम होता है VINYLIC, वेनाइलिक हाइड्रोकार्बन या हैलोअल्केन्स, सॉरी वेनाइलिक हैलोअल्केन्स, इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन इट इज हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स, ठीक है। अब ये वेनाइलिक कैसा होगा, उन लोगों ने PVC का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो एक्चुअली विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं PVC। इसका अनदर एग्जांपल ये भी होगा, साइक्लोब्यूटेन बना लो और यहाँ पे एक्स लगा दो, ये भी वेनाइलिक हैलाइड है। अगर यहाँ पे साइक्लोपेंटीन बना लिया या साइक्लोहेक्सीन बना दिया और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर आपने अटैच करा दिया एक्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक हैलाइड्स, सॉरी वेनाइलिक हैलाइड्स। अब थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, लास्ट पॉइंट जो प्रिपरेशन का होगा, उस प्रिपरेशन के केस में चलेंगे तो यहाँ पे आएगा एराइलिक, ARYLIC, एराइलिक हेलो अल्केन्स। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ रिंग से अटैच होगा, दुनिया की कहानी नहीं समझो, बस ये रिंग से अटैच होगा। तो टोटल जरा देखो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ, फर्स्ट वाला केस हुआ जो हुआ मोनो डाई ट्राई एंड ट्राई, एक चीज हो गई, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर एक बार हाइड्रोजन अटैच है तो मोनो हैलोजन, दो बार अटैच है तो ट्राइहैलोजन, तीन बार अटैच है तो ट्राइहैलोजन और अनलिमिटेड मोनोस वन देन वन है तो पॉली। एक क्लासिफिकेशन तुम्हारा ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे चला, ये जनरली दो टाइप का हो गया। पहला क्या होगा, ALLYLIC, इसमें कुछ नहीं देखना है, यहां पे उस कार्बन को देखना है जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, किसको देखना है उस कार्बन, किस कार्बन को, उस कार्बन को जिससे कौन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, वो क्लोरीन का मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, एडीन भी हो सकता है, इनमें से क्लोरीन या ब्रोमीन या एडीन अटैच्ड है, उसके ठीक बगल वाला कार्बन, ठीक बगल वाला मतलब ये कार्बन के बगल वाला कार्बन वो कैसा होना चाहिए, उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम।
इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। मगर अगर वही चीज रिंग के साथ हो, मतलब कि पहले x है, x के साथ क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, और उससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है, बेंजीन रिंग, सिर्फ रिंग नहीं, बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो उसको बेंजाइलिक हैलोजन के बोलेंगे। और तीसरी कंडीशन में अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो एलाइलिक हैलोजन के बोलेंगे। ठीक है, इसके केस में रिंग का कोई मतलब नहीं है, रिंग भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। इसके केस में मस्ट है कि बेंजीन रिंग ही हो, और इसके केस में मस्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये टोटल हो गया क्लासिफिकेशन कितना हमारे हैलोजन केस का। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें जो पार्ट 2 है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से दिया हुआ है, फिर इसके बाद में एल्कीन से दिया हुआ है, फिर इसके बाद में और सारे दिए हुए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी है। तो उन स्टेप वाइज अगर हमारे वीडियोस को देखते जाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि एक के बाद एक ये फर्स्ट वाला है, और फर्स्ट के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो हैलोएल्केन के 5-6 पार्ट्स पड़े हुए हैं। उन सारे पार्ट्स में आपको सक्सेसिवली देखेंगे हर चीज प्रॉपर दी गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें, आपको पहला काम क्या होगा, वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा, और इसके बाद सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी मटेरियल हैं आपके पास फटाफट पहुंचते चले जाएंगे। अभी मैं सिर्फ एक चैप्टर का हैलोएल्केन्स का बनाया हूं, ऐसे इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, टोटल 15 चैप्टर का प्रैक्टिकल वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी नेक्स्ट वीडियो।